हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिमी राजस्थान का मौसम पाकिस्तान से उठे रेतीले तूफान ने जैसलमेर में दिखाया रौद्र रूप। बाड़मेर के आसमान में छाई धूल, जगदम्बा मंदिर पहाड़ी से धूल की चादर से ढके बाड़मेर का नजारा। जैसलमेर में बड़ी संख्या में पेड़ व बिजली के पोल नीचे गिरे। तेज हवा के साथ खेत में काट कर रही उपज उड़ गई। पाकिस्तान से उठे तूफानी अंधड़ ने रविवार देर रात सीमावर्ती जैसलमेर व बाड़मेर में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से जैसलमेर में प्रवेश करने वाले इस अंधड़ से हर तरफ धूल का साम्राज्य हो गया। तेज अंधड़ ने जैसलमेर में सबसे अधिक तबाही मचाई। कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गयी तो खेत में काट कर रखी हुई उपज उड़ने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं बड़ी संख्या बिजली के पोल व पेड़ धराशायी हो गए। जोधपुर भी इस अंधड़ से अछूता नहीं रहा और रात 2 बजे यहां पहुंचे रेतीले भवंडर से आसमान में धूल छा गई। आज सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी से कुछ धूल अवश्य नीचे उतरी। मौसम विभाग के अनुसार एक प्रेरित साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिला। कल देर रात करीब 11:30 बजे पाकिस्तान से उठे रेतीले भवंडर ने जैसलमेर में प्रवेश किया। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान तेजी के साथ आगे बढ़ा। तनौट पर रामगढ़ होते हुए ये जैसलमेर पहुंचा। हवा की रफ्तार अधिक होने के कारण पूरे क्षेत्र में तबाही मचाते हुए ये आगे बढ़ा। रेत के इस तूफान के सामने कई पेड़ व बिजली के पोल स्वयं को बचा नहीं पाए। सीमावर्ती क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिजली के पोल नीचे गिरने से विद्युत आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस तूफान ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। खेतों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में किसानों ने जीरे की उपज को काट कर खेतों में रखा हुआ था। तेज हवा के साथ कटी हुई उपज भी उड़ गई। जैसलमेर से आगे बढ़ता हुआ ये तूफान जोधपुर व बाड़मेर पहुंचा। हालांकि आगे बढ़ने के साथ इसकी रफ्तार कमजोर पड़ गई। इस कारण इन दोनों स्थान पर नुकसान कम ही हुआ। बाड़मेर में रात करीब 2 बजे पहुंचे अंधड़ के कारण आसमान में धूल छा गई। आज सुबह जब लोग नींद से उठे तो उन्हें अपने मकानों में हर तरफ धूल ही धूल नजर आ रही थी। आसमान से बरस रही धूल के बीच सुबह करीब 8 बजे यकायक हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों के साथ धूल के कण भी तेजी से नीचे आए। इससे आसमान काफी हद तक साफ अवश्य हुआ, लेकिन अभी भी धूल पूरी तरह से नीचे नहीं उतर पाई है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।